नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो BHU 2011 का ये पेपर है। BHU 2011 का सॉल्व पेपर है, उसको अपन लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे वीडियो को और आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाईएस्ट इरिगेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज, कहने का मतलब भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य है, 100% सिंचित राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, जो पंजाब है, भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द माइक्रोन्यूट्रेंट्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर शुगर प्रोडक्शन इन शुगर कैन, गन्ने में चीनी निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व सबसे अधिक लाभदायक है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या फिर जस्ता? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है, मैग्नीशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कि हाउ मच परसेंट ऑफ ऑयल इज ऑप्टेंड फ्रॉम ग्राउंड नट, मूँगफली के दाने में कितने परसेंट तेल पाया जाता है? 20, 30, 45 या फिर 60%? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स 45% जो है ऑयल पाया जाता है मूँगफली के दाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट एरिया ऑफ सैलाइन अल्कलाइन सॉइल इज इन स्टेट ऑफ, लबड़ी तथा क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मींस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है लबड़ी और क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ इंडिया इज, जो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लबड़ीय, लाल या फिर काली मिट्टी? तो ध्यान रहे, जो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, और यही मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो है पाई जाती है, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन पायराइट्स इज, जो पायराइट्स में कितने परसेंट सल्फर पाया जाता है? 10 से 12, 22 से 24, 30 से 32 या फिर 40 से 42? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 20 से 22 से 24% सल्फर, ठीक है। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट माइक्रोन्यूट्रेंट, नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, देखते हैं हम लोग क्या होगा इसका सही आंसर। जो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सल्फर। सल्फर नहीं होता है, ठीक है, बाकी ये तीनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट पायराइट्स इज फाउंड इन विच स्टेट, किस प्रदेश में जो है पायराइट सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स बिहार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चंस है कि परसेंटेज ऑफ सल्फर इन जिप्सम में, जिप्सम में कितने परसेंट सल्फर पाया जाता है इन विकल्प के अकॉर्डिंग भाई? तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही होता है, 18% जो है जिप्सम में सल्फर पाया जाता है और 30% के आसपास क्या पाया जाता है, कैल्शियम भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि योजना आयोग मीन्स प्लानिंग कमीशन वाज स्टेबलाइज्ड इन, जो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो योजना आयोग की स्थापना भाई हुई थी 1950 में, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में जो है
योजना आयोग का नाम चेंज हो चुका है, अब इसका नाम हो चुका है क्या, नीति आयोग। योजना आयोग का अब जो नाम है वो हो गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये नाम कब हुआ था, तो 2015 में जो है योजना आयोग का नाम चेंज करके जो है नीति आयोग रख दिया गया था, ठीक है। और जो है योजना आयोग या फिर जो नीति आयोग है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रदेश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी जी हैं योजना आयोग या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इन फॉर्म मैनेजमेंट इज, जो प्रबंध प्रक्षेत्र प्रबंधन में सबसे प्रमुख होती है वो क्या है, उत्पादन इकाई, विपणन इकाई, मूल्य निर्धारण इकाई या फिर आय व्यय इकाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही होता, उत्पादन इकाई। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश, जो भारतीय खाद्य निगम है वो कब स्थापित हुआ था, कब स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 1960, 1963, 1965 या फिर 1968 में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश, जो RBI था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1935 में, ठीक है। RBI से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था 1949 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में, ठीक है। और वर्तमान में जो RBI के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं, ठीक है। और ये 25वें नंबर के हैं भाई, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। मूव ऑन करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार कितने करोड़ थी, ठीक है, 100, 102, 104, 105। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, 2001 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 104 करोड़ के आसपास थी। वो बॉन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड कब की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की, ठीक है। तो इसका आंसर होता है 1982। तो नाबार्ड की जो स्थापना की बात की जाए, स्थापना की बात करें नाबार्ड की, तो वो हुई थी 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है इसका मुंबई में, ठीक है। वर्तमान में जो नाबार्ड के हेड हैं वो हैं गोविंद चिंतालू। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस एंड एनिमल रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, ठीक है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा या फिर कानपुर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है, मथुरा में, ठीक है, मथुरा में है यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल डेयरी फार्म कहाँ पर है, जो सेंट्रल डेयरी फार्म है वो कहाँ पर है, एटा, अलीगढ़, आगरा या फिर फैजाबाद में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सेंट्रल डेयरी फार्म है वो है अलीगढ़ में। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट ऑफ काउ मिल्क इज, जो दूध गाय के दूध का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रहे तो लैक्टोज। लैक्टोज को ही दुग्ध शर्करा या फिर मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन वाज स्टार्टेड इन, जो इंडिया में कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कब हुआ था, तो 1940 में। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट,
एक गाय को प्रतिदिन कितना नमक देना चाहिए? 20 से 30, 50 से 60, 70 से 80 या 90 से 100। तो एक गाय को जो है एक दिन में 50 से 60 ग्राम नमक देना चाहिए। ठीक है, तो आज क्लास में यहीं तक मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए नमस्कार, थैंक फॉर वॉचिंग।